सोलन शहर में 2 से 5 जून तक विभिन्न राज्यों के करीब 250 शीर्ष कलाकार फिलफॉर्ड फोरम की तरफ से आयोजित 33वीं राष्ट्रीय स्तर की नाट्य एवं नृत्य अभिनय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। यह कलाकार नाट्य मंचन और अभिनय के माध्यम से देश की संस्कृति की झलक दिखाएंगे। फिलफॉर्ड फोरम संस्था के चेयरमैन विपुल गोयल ने बताया कि पिछले 36 वर्षों से संस्कृति के संरक्षण के मकसद से इस कार्यक्रम के आयोजन में लगी है। संस्था के अध्यक्ष विजय पुरी ने कहा कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल करेंगे, वहीं समापन सोलन के विधायक धनीराम शांडिल करेंगे। विजय पुरी ने बताया कि इस बार कुछ नए इवेंट भी शामिल किए गए हैं। बच्चों के लिए भी स्कूली स्तर की नृत्य प्रतियोगिता इस बार आयोजित होगी। इसके अलावा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागी अपने राज्यों के परिधानों को प्रदर्शित करेंगे। अभिनय ऑल इंडिया डांस एंड ड्रामा कंपटीशन जो कि 2 तारीख से 5 तारीख तक होने जा रहा है, फिलफॉर्ड फोरम इसका ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको, और जिसके अंदर की 250 कलाकार और 7 स्टेटों से कलाकार भाग ले रहे हैं। इसमें 2 तारीख से 5 तारीख तक जो कार्यक्रम होगा उसके अंदर जो इनॉग्रेशन करेंगे श्री सहजल जी जो कि हेल्थ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश हैं, और इसका समापन समारोह करेंगे धनी राम शांडिल जी जो कि इसका समापन समारोह करेंगे। बीच में विवेक चंदेल जी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन वो भी इसके कार्यक्रम में भाग लेंगे। टीमें इसलिए कम आ रही हैं क्योंकि रेलवे कंसेशन इस बार नहीं मिल पाया, और रेलवे कंसेशन जो कि ओपन हुआ है वो काफ़ी लेट ओपन हुआ, जिसके अंदर जो हमारा 4 महीने का समय लगता है, लेकिन जितने भी टीम्स इस बार आ रही हैं वो अपने खर्चे पर आ रही हैं और यहाँ पर भाग लेने के लिए आ रही हैं। नया तो इस बार वैसे तो लास्ट ईयर भी हमने वोकल और इंस्ट्रूमेंट को हमने ऐड किया था, लेकिन इस बार जो प्रतिभागी हैं वो कम से कम 40 से 50 प्रतिभागी जो वोकल और इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने बॉलीवुड में जो आजकल बच्चे लोग जो हैं वो जैज़ हिप हॉप और सालसा वगैरह भाग लेते हैं उसको भी हमने इस बार ऐड किया है। मुरारी मार्केट में इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसका कारण है कि वो कुछ ज़्यादा डिमांड करने लगे हैं, पैसों का ज़्यादा डिमांड करने लगे हैं पर डे, तो वो हमारे बस में नहीं है। हमारी संस्था जो है अपने आप नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जो कि जितना खर्चा होना चाहिए उतना ही खर्चा इकट्ठा करती है और इस कार्यक्रम को करती है, और अपने कॉन्ट्रीब्यूशन भी हमारे मेम्बर्स जो हैं उसके अंदर डालते हैं, लेकिन इस बार हम जितना वो खर्चा बोलते हैं वो हम नहीं कर पाए, इसलिए हमने स्थान चेंज किया है।